नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से आ चुकी अर्जेंट रिक्रूटमेंट स्वास्थ्य विभाग नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट के लिए 2850 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 25,000 रुपये स्टार्टिंग में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बता दें कि कोरोना वायरस के टाइम पे अर्जेंट रिक्रूटमेंट का नोटिस है, तो आपका कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है, केवल और केवल यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होना है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है और आप सभी के लिए यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी आ चुकी है। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन को आगे ओपन करेंगे और आप सभी को नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बताएंगे। साथ में आवेदन आपको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में कैसे करना होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप लोग नेशनल हेल्थ मिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आगे हम लोग अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो आपके काम की लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका, आप लोग यहां पे देख पाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है आप सभी के लिए। 2021 और 22 का यहां पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको रूल बुक मिल जाएगी पूरी की पूरी, जहां पे आप लोग इस वैकेंसी के बारे में देख पाएंगे। CHO की पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप लोग यहां पे देख सकते हैं आपको ऑनलाइन आवेदन कब से लेकर कब तक करना होगा। तो यहां पे साफ साफ बताया गया है कि 15 मई से लेकर 31 मई 2021 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है। आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपको कितनी वैकेंसी मिलेंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखें 2850 पदों पर यहाँ पे भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जहाँ पे महिला से लेकर पुरुष से लेकर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आप सभी का ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होना होगा, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी हैं, जैसे कि आप लोग यहां पे देख ही पा रहे होंगे। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से अर्जेंट भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई भर्ती है 2021 की, और यहाँ पे आपको 2850 पदों पर टोटल भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, जहाँ पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। वेतन की बात करें तो 25,000 रुपये आपको स्टार्टिंग के वेतन दिया जाएगा, जहाँ पे आवेदन करने का आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री होने वाला है। आप लोग 31 मई 2021 तक आवेदन कर पाएंगे और आवेदन आपको ऑनलाइन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करने होंगे, कहाँ से करने होंगे, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए वीडियो को जरूर आखिरी तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको देखना होगा NHM नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, तो 2850 यानी कि 2850 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, जहां पे आपको CHO की वैकेंसी पोस्टें मिलेंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप लोग 15 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक आवेदन कर पाएंगे, जहां पे आपकी उम्र अधिकतम 40 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एज में छूट भी दिया जाएगा। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, आपकी कोई भी अप्लीकेशन शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगी। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रिक्रूटमेंट है, जहां पे आपको वेतन 25,000 रुपये स्टार्टिंग का देखने को मिलेगा। 25,000 रुपये नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है,
10th 12th ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप लोग 31 मई 2021 तक आवेदन कर पाएंगे और आवेदन करने के बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट के आधार पर होने वाला है। बिना किसी इंटरव्यू के यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको आवेदन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन वाली बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आवेदन करने का। यहाँ पे बोला गया है कि 2850 CHO के पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी आवेदन किया होगा तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी आवेदन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक करना होगा। जो यहाँ पे निर्धारित अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट है वो 31 मई है। आपको इससे पहले जरूर आवेदन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन की बटन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम डालना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। देन इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, मोबाइल नंबर देना होगा, पासवर्ड देना होगा अपने से क्रिएट करके और आई एग्री की बटन पे चेक करके यहाँ पे जो आपका कैप्चा होगा इसका राइट आंसर कर देंगे। जैसे 8+3 यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे साइन इन की बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। आपको बता दें नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड की बटन आएगी और डाउनलोड की बटन पे क्लिक करने के बाद आपका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। अब आप लोग इसमें से सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 13 पेजों का PDF है। बेसिक से लेकर अपर लेवल की जानकारी मैंने दे दी है। जो कुछ भी बचा है आप लोग इसमें चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को चाहते हैं कि मैं आवेदन करने का फुल वीडियो बनाऊं तो इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को 300 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हैं आप सभी को आवेदन करने की एक वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं तो परसों के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के नाम से, वीडियो में मिल जाएगा आप सभी को चैनल पे जाने के बाद। तो आप लोग उसको जरूर देखिए। उसको देखने के बाद आप लोग घर से वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।